क्रिम्स्की द्वारा प्रिज्म रिफ्लेक्स टेस्ट पहली बार डिस्क्राइब किया गया था। यह एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिकल मेथड है स्क्रीन का एंगल देखने के लिए। इस टेस्ट का प्रयोग हम ब्लाइंड या डीपली एमलाइपिक आई जो कि सेंट्रिक फिक्सेशन के साथ या बिना हो उसमें करते हैं। जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स प्रिज्म बार और लूज प्रिज्म्स पेन टॉर्च। ऑप्टिकल प्रिंसिपल, इसका ऑप्टिकल प्रिंसिपल प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट से अलग होता है। इस टेस्ट में हम प्रिज्म को फिक्सेटिंग आई के सामने रखते हैं। फिक्सेटिंग आई प्रिज्म को ओवरकम करने और फिक्सेशन को मेंटेन करने के लिए मूव करती है। हेरिंग्स लॉ के कारण यदि एक इंक्रीजिंग प्रिज्म को हम फिक्सेटिंग आई के सामने रखते हैं तो यह डेविएटिंग आई के कॉर्नियल रिफ्लेक्शन को सेंट्रलाइज कर देगा। प्रोसीजर, टेस्ट करने के लिए पेशेंट को एक पॉइंट लाइट पे फिक्सेट करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद इंक्रीजिंग प्रिज्म को नॉर्मल फिक्सेटिंग आई के सामने तब तक रखा जाता है जब तक कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स स्क्विंट आई में सेंट्रल ना हो जाए। स्क्विंटिंग आई में लाइट रिफ्लेक्स को सेंटर करने के लिए आवश्यक प्रिज्म डायोप्टर्स स्क्विंट की डेविएशन के बराबर होती है। पैरलेक्स एरर से बचने के लिए एग्जामिनर को अपनी दूसरी आंख बंद रखते हुए सीधे डेविएटिंग आई के सामने बैठकर एक आंख से कॉर्नियल रिफ्लेक्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। रिकॉर्डिंग PBRT विद और विदाउट ग्लासेस 35 प्रिज्म डायोप्टर बेस आउट फिक्सिंग राइट। क्रिम्स्की टेस्ट के एडवांटेजेस, क्योंकि टेस्ट के लिए जरूरी है कि पेशेंट लाइट को फिक्सेट करे पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होने के कारण यह छोटे बच्चों के टेस्ट में यूजफुल है। यह प्रिज्म कवर टेस्ट की तुलना में तेजी से परफॉर्म करता है। इसका उपयोग उन पेशेंट्स में किया जा सकता है जिनमें डेविएटिंग आई में कम विजन हो या उनका सेंट्रल फिक्सेशन ना हो। क्रिम्स्की टेस्ट की सीमाएं, चूंकि एंगल कप्पा को मेजरमेंट में शामिल किया गया है इसलिए यह टेस्ट इनएक्यूरेट है। डिस्टेंस में यह टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जामिनर का हेड पेशेंट को फिक्सेशन लाइट देखने से रोकती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।